हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार, आज सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा बेटा जिसका नाम है अरहान और इसी पर है अरहान एंटरटेनमेंट। चलो बात करें कार्तिक यार टू। पहली तो बात ये है कि भाई, बॉलीवुड वालों की क्या हालत हो रही है तो आप लोगों को पता है। लाल सिंह चड्ढा यानी कि आमिर खान की और रक्षाबंधन अक्षय कुमार की, यानी कि दो बड़े बड़े सुपरस्टार को कोई एक ऐसा साउथ का एक्टर जिसकी मूवी मैंने ही नहीं देखा था, तो हिंदी बेल्ट वाले कितने लोगों ने देखा होगा। लेकिन स्टार्ट होती है एक डॉक्टर से जिसका नाम है कार्तिक यार, जो कि खुद इतना ज्यादा रिलीजियस बंदा तो नहीं है, लेकिन वो रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करता है। वही दूसरी तरफ कार्तिक की माँ काफी ज्यादा रिलीजियस है, लेकिन कहानी में कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिस वजह से कार्तिक को अपनी माँ के साथ द्वारका जाना पड़ता है एक मन्नत पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की। अब द्वारका जाने के बाद कार्तिक के साथ क्या कुछ होता है, कैसे ये मूवी आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें बताएगी जो आपको भी नहीं पता होगी, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता थी, तो वो सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी कार्तिकेया 2। मूवी की मैं कुछ नेगेटिविटी आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सुनने को मिलेगा। सबसे पहली बात है कि मूवी की जो शुरुआत है, ऐसा नहीं करो सबसे पहली बात तो मूवी की जो स्टार्टिंग है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती है व्यूवर्स को, और काफी स्लोली स्लोली आगे बढ़ती है, और जबकि मूवी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो भगवान श्री कृष्ण पर है, तो लेकिन आज की जो जनरेशन है वो किस चीज को ढूंढ रही है जिसका संबंध सीधा सीधा लॉर्ड कृष्ण से, तो उस चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, उसको एस्टेब्लिश नहीं किया। मेरे ख्याल से अगर कुछ कैरेक्टर्स और कुछ ऐसे सीन्स ज्यादा जिस वजह से हमें एटलीस्ट इजी वे में समझ में आते कि भाई प्लॉट आखिर है क्या, तो वो ज्यादा अच्छा होता। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं डालना चाहिए हमको स्टार्ट में। उसके अलावा मूवी का जो सेकेंड हाफ है वो फिर से आपको थोड़ा सा स्लो महसूस होता है, और विलन के कैरेक्टर को यहाँ पर डायरेक्टर ने कुछ खास एलिवेशन नहीं दे पाया सेकेंड हाफ में, वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा। और अगर पूरी मूवी की कहानी की बात करेंगे तो यस, यहाँ पर जो नरेशन है उसको इतना इजी तो रखना चाहिए था, जिस वजह से जो ऐसी ऑडियंस है जिसको लॉर्ड कृष्णा के बारे में नहीं पता, तो एटलीस्ट उसको इजी वे में चीजें समझ में आ सके, जो कि यहाँ पर समझना मेरे लिए मुश्किल था। खैर, अगर मूवी की पॉजिटिविटी की बात करें तो ऐसी फैंटेसी एक्शन मूवी का मैं बेसब्री से वेट करता हूँ जहां पर हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चल सके। हालांकि मैं हिंदू नहीं हूं, लेकिन मुझे उनके रिलीजन के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। मैंने महाभारत भी देखी, मैंने रामायण भी देखी, और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू माइथोलॉजी पर बहुत सारी चीजें हम लोग ऑडियंस को बता सकते हैं, और ये उन्हीं में से एक है जिसको बहुत ही अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया मैं बोलूंगा मूवी में। बट जो कुछ खामियां थी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करो तो सब कैरेक्टर्स को वैसे ठीक ठाक ही लिखा है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है कार्तिकेय का, जो कि एक डॉक्टर है, उसको यहाँ पर मेरे ख्याल से एस्टेब्लिश उतना नहीं किया जितना यहाँ पर करना चाहिए। मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, लोकेशंस काफी बढ़िया उन लोगों ने सेलेक्ट किए, और यहाँ पर VFX की बात करें तो VFX काइंड ऑफ ओके लगा मुझे, क्योंकि देखो यार, मूवी का बजट मुझे पता कि उतना नहीं होगा जितना हिंदी मूवीज बनती है, लेकिन अगर ये हाई लेवल बजट पे बनती तो यकीन मानो इसका VFX एक अलग ही जगह पे होता। लेकिन एनिमेशन के थ्रू जो जो चीजें हमें बताने की कोशिश की है उसकी मैं तारीफ करूंगा। एनिमेशन को अच्छी तरह से रखा गया है। मूवी की BGM, ओ हो, मतलब नॉर्मल सीन को भी इसके BGM ने क्या एलिवेट किया भाई, क्या एलिवेट किया। इसके परफॉर्मेंस की बात करो तो यहाँ पर निखिल सिद्धार्थ जिसने यहाँ पर कार्तिक का रोल प्ले किया है, मैंने इसकी कोई भी मूवी नहीं देखा था, इनफैक्ट मैंने इसके फर्स्ट पार्ट को देखा ही नहीं है, अभी तक मैंने नहीं देखा है, तो मेरे लिए ये एक्टर फर्स्ट टाइम मैंने स्क्रीन पर देखा, और यकीन मानो एक्टर लगता है वो, एक्सप्रेशन बढ़िया थे, थोड़ी बहुत और पॉलिशिंग की जरूरत है, लेकिन कुल मिला के उसने अपने रोल को बहुत जस्टिस दिया। और उसके अलावा जो दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स है, चाहे वो फीमेल एक्ट्रेस हो चाहे वो दो कॉमेडियन हो, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया यार। डायरेक्शन की बात करो तो डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब इंडिया में इस तरीके की मूवी बनना चाहिए। फैंटेसी जॉनर कहाँ चला गया यार इंडिया का, जहाँ पर हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में, देखो यार, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी रिलीजन हो, सबकी अपनी अपनी हिस्ट्री है, और अगर हिस्ट्री को अच्छी तरह से प्रेजेंट करे तो लोगों को नॉलेज मिलता है, जानने को मिलता है, और यहाँ पर भी नो हेट यार, मतलब बहुत कुछ सीखने के मिलता है। और मैं बोलता हूँ कि बच्चे लोगों, देखो मैंने अपने बेटे को यहाँ पर इसलिए बिठाया था, हालांकि उसको मूवी समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी ऐसी मूवीज बच्चों को, यंगर जनरेशन को देखना चाहिए, जाके उनके रिलीजन के बारे में उनको ही पता चले। में अनुपम खेर भी है जो कि अच्छे एक्टर है, मगर कुछ पॉलिटिकल चीजों की वजह से लोग उनको हेट करते हैं, लेकिन इस मूवी में जो उनके डायलॉग्स है, यकीन मानो काफी हार्ड हिटिंग डायलॉग थे, उनका इस मूवी में जो पोर्शन है वो ऑडियंस को सबसे ज्यादा पसंद आएगा। इनफैक्ट थिएटर में बोलते ना बहुत तालियां बज रही थी भाई इस पर्टिकुलर इनके सीन के लिए, हालांकि कुछ मिनट का ही सीन है उनका। खैर, मूवी जहां पर खत्म हुई वहां से तो आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होगी भाई इसका नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। यस यार,
आई वॉज टोटली ब्लोन अवे बाई दिस मूवी. क्या आने वाले पार्ट को बहुत अच्छी तरह ग्रैंड वे में अगर बनाएंगे, पैसा खर्चा करेंगे, तो यार यकीन मानो ऑडियंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगी. तो ये मूवी बहुत ही गजब की निकली, मतलब अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज निकली, जो बॉलीवुड की लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन को मतलब कहीं भी ठहरने नहीं देगी. यकीन मानो हाउसफुल चलेगी ये. तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको ये मूवी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और आपको क्या नेगेटिव लगा वो भी बताओ. क्या करना चाहिए चैनल को बताओ, लाइक और मिलते, शेयर और सब्सक्राइब. सब्सक्राइब. तो बाय.